और अब खबरों के विस्तार से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा की मोदी के साथ इस वक्त मीटिंग हो रही है, शपथ की तैयारियां चल रही हैं और मंत्रिमंडल को लेकर भी मंथन चल रहा है। पहले अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा पहुंचे थे, उससे पहले जेपी नड्डा के आवास पर भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम नेता शामिल हुए थे। बातचीत मंत्रिमंडल को लेकर चल रही है, 9 जून को शपथ होगा, शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं, कैसे इसको भव्य बनाया जाएगा, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश यहां पर की जाएगी। साथ ही जो विदेशी मेहमान आने हैं, सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा होनी है। हालांकि मोदी का ये थर्ड टर्म होगा और कल शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि मोदी की कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, किस किस को जगह मिलेगी, मोदी की आखिर फौज इस बार कौन रहेगी, कौन से बड़े चेहरे होंगे, क्योंकि एनडीए के साथ इस बार ये सरकार चलने वाली है। बीजेपी 240 सीटें हासिल की है बीजेपी ने और 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, लेकिन एनडीए क्योंकि प्री पोल अलायंस हुआ था, जो तमाम सहयोगी हैं बिना शर्त उन्होंने समर्थन की बात कही है, और जब संसदीय दल की बैठक एनडीए की हुई उस दौरान सभी एकजुट दिखाई दिए और प्रधानमंत्री मोदी को सबने समर्थन दिया है। अब ये सरकार स्थिर चलाने की बात सभी नेताओं की ओर से की जा रही है, एनडीए मजबूत है, स्थिर है और एकजुट है, ये बताया जा रहा है। अब मंत्रालय के बंटवारों को लेकर भी चर्चा हो रही है कि पोर्टफोलियो किस तरह से दिया जाएगा, सहयोगियों को कैसे साथ लेकर चला जाएगा। तो महामंथन का दौर चल रहा है, इससे पहले अमित शाह के आवास पर भी मीटिंग हुई, जेपी नड्डा के आवास पर भी बैठक हुई, फिलहाल जो बैठक है वो पीएम मोदी के आवास पर चल रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हैं, शपथ की तैयारी के साथ साथ समीक्षा की जा रही है, मंत्रिमंडल को लेकर भी बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त अहम बैठक जारी है, 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह से पहले जबरदस्त तैयारियों का दौर चल रहा है, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, कहीं भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा, हर तरह से साथियों को साथ लेकर चलने की कवायद की जा रही है। सबको साथ लेकर कैसे एक अलायंस चलता है, एक मिसाल पेश करने की भी कवायद यहां पर हो रही है। टीडीपी और जेडीयू को लेकर जिस तरह की खबरें विपक्ष ने फैलाई हैं, उन्हें भी खारिज करने की कोशिश मंत्रिमंडल के जरिए की जाएगी। फिलहाल बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है, एक तरफ शपथ को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, कैसे शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर इस वक्त टिकी हुई हैं। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, बधाइयां लगातार मिल रही हैं, विदेशी मेहमान भी यहां पहुंचेंगे, दक्षिण एशिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इधर चुनाव नतीजों के बाद एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हार को लेकर सीएम योगी की कैबिनेट बैठक जिसमें यूपी में बीजेपी